प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के यादगिरी जिले में नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर के विस्तार, मरम्मत और आधुनिकीकरण परियोजना का उद्घाटन किया। कृष्णा नदी पर नारायणपुर जलाशय के पास लेफ्ट बैंक नहर को जल दक्षता में सुधार और पानी का नुकसान कम करने के लिए आधुनिक बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को पानी की आपूर्ति की जा सके। इस परियोजना को केंद्र और राज्य सरकार की वित्तीय सहायता से तैयार किया गया। प्रधानमंत्री ने योजना को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे 2.5 लाख घरों में पीने का साफ पानी उपलब्ध होगा। हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आपको सौंपने और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने आया। नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल के विस्तार और आधुनिकीकरण से यादगिर, कलबुर्गी और विजयपुर जिले के लाखों किसानों को सीधा सीधा लाभ होने वाला है। यादगिर विलेज मल्टी वॉटर सप्लाई स्कीम से भी जिले के लाखों परिवारों को पीने का साफ पानी मिलने वाला है। सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो हिस्सा कर्नाटका में पड़ता है, उस पर भी आज काम शुरू हुआ है। इससे यादगिर, रायचूर और कलबुर्गी सहित इस पूरे क्षेत्र में ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी और यहां उद्यमों को, रोजगारों को भी बहुत बल मिलने वाला है। इस अवसर पर बंजारा और लंबानी टांडा को राजस्व गांव घोषित किया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने बंजारा समुदाय के लोगों को मालिकाना अधिकार पत्र भी सौंपा। इन मकानों में रहने वाले करीब 51,900 लोगों को अधिकार पत्र दिए गए।